अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं असगर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं समरीन और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे और हम सब के देश में बहुत बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। हम कर रहे हैं आपसे हमारी शाम की रूटीन शेयर, के शाम में हम क्या क्या करते हैं तो वो आपसे शेयर करने वाले हैं। तो व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक करे और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दे। तो करते हैं जल्दी जल्दी से हमारे आज के व्लॉग को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हमारे जो है तोतों ने भी बड़ा परेशान करके रखा है हमको शाम से, क्योंकि शाम से ये क्या कर रहे हैं बार बार अपना जो है ना वो, ये छोटा वाला आप देख रहे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा दरवाज़ा होता है इनका दाना वगैरह और पानी डालने के लिए, तो ये बार बार जो है ना खोलते और निकल आते। ये देखे आप, ये इसने कितना परेशान किया हुआ, ये वो शरारती हो गए, गंदा बच्चा हो गया, गंदा बच्चा। ये शाम को भी जो है ना निकल गया था, दोपहर में भी, और अभी ये फिर वापस निकला है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और डालता हूँ। आज इन्होंने भी बड़ा परेशान किया हुआ है। अब मुझे जो है छोटे वाले जो इसके दरवाजे हैं उनको बंद करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी पीनी है चाय। इसको भी पीनी है चाय, तो इसको भी पिलाते फ्रेंड्स चाय और हम भी पीते चाय। डालता हूँ मैं अब जल्दी से अंदर पकड़ के, और हमारी चाय भी ठंडी हो जाएगी इसके चक्कर में। तो इसको डालते हैं अंदर, पकड़ते हैं और फिर हम चाय पीते हैं अपनी। ये देखे मैंने इसको पकड़ लिया है, ये देखे मेरे हाथ में आ गया है, और अब हम इसको डालते हैं अंदर यहाँ से खोल के, और इसको बांधते हैं हम, और बांध के और फिर चाय पीते हैं हम अपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखे, यहाँ पे हमारी जो है चाय बन रही है और अभी हम पीने वाले हैं चाय, क्योंकि शाम हो गई है और शाम को चाय पीने की हमारी तो आदत है भाई। किस किस की है वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और समरीन यहाँ पे क्या कर रही है? समरीन क्या हो रहा है? बर्तन धो रही हूँ मैं, और ये दोपहर के बर्तन है, और जल्दी से धोती हूँ, किचन वाइंड अप करती हूँ, किचन करना है साफ, साफ सुथरा रखे और साफ रहे पाकिस्तान। तो आप ये अभी बर्तन धो रही है तो फिर चाय का भी टाइम हो चुका है? बस हमारी चाय रेडी हो चुकी है, हम बर्तन धो चुके हैं और अब हम करेंगे हमारी तैयारी ऑफ किचन। जी फ्रेंड्स, तो हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है यहाँ पे तकरीबन, तो अब पीते हैं चाय। फ्रेंड्स, हमारी चाय यहाँ पे आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, और चाय का कलर आप लोग देखेंगे कितना प्यारा चाय का कलर है आज की। और अभी हम पीने लगे हैं चाय, और आपकी भाभी भी जो है यहाँ पे आके बैठ चुकी है। चाय का एक कप है 50 रुपए का ये। गर्मा गर्म है चाय और हमारे पास है दिल पसंद के पापे, बहुत अच्छे निकले, हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम लिए थे और फर्स्ट टाइम टेस्ट किए थे दिल पसंद की, तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी निकले हैं। टोस्ट भी, मिठाई तो टेस्टी होती है और बहुत महंगी भी हो गई है। जी फ्रेंड्स, हम लोग जो परसों हमने व्लॉग परसों डाला था ना, मेरे ख्याल से परसों व्लॉग डाला था हमने, जामा क्लॉथ गए थे हम लोग, तो जामा क्लॉथ पे जो है दिल पसंद है, हर कोई वाकिफ़ है वहाँ पे, दिल पसंद की ब्रांच है, तो वहाँ से हमने ये लिए थे पापे, और फर्स्ट टाइम हमने लिए थे और सोचा था ट्राई करते कि कैसे कैसे नहीं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे निकले, टेस्ट वाइज बहुत अच्छे है और मुख्तलिफ थे नॉर्मल पापों से, बहुत अच्छे थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिठाई के हमने रेट्स पूछे थे, तो मिठाई के रेट्स तो आप लोग पूछे ही मत, इतने ज़्यादा ऊपर चले गए कि आप मिठाई खाते हुए भी जो है ना वो बंदा सोचेगा कि मिठाई खाए या ना खाए। तो चले खैर है, अब हम पीते हैं चाय, और हमारे पास चाय के साथ है ये पापे और ये सुपर बिस्किट्स है डबल चॉकलेटी, तो हमारे घर में ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चे वगैरह भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मोहम्मद सकलेन और कायनात और हम भी। तो किस किस को पसंद है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग भी हमारी प्यारी सी YouTube फैमिली, आप लोग भी आ जाए हमारे साथ चाय पिए हमारे साथ। और अच्छा, और चाय पीने के बाद हम सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे आज का मौसम, वेदर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है फ्रेंड्स, कराची वाले फिर से आने वाली है, बारिश का सिलसिला अंदर दाखिल हो चुका है और दाखिल होने के साथ हमारे घरों में भी आने वाली बारिश, अल्लाह ना करे घरों के अंदर आ जाए बारिश, बाहर आई है, अल्लाह अल्लाह पाक
अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और इस बारिश को बाई से रहमत बनाए, बाई से जहमत ना बनाए, क्योंकि कुछ लोग जो बेचारे कच्चे मकानात में रहते हैं तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है इस वजह से। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और फिर हम आपको चाय पीने के बाद आज का वेदर भी दिखाते हैं, और सबसे मेन चीज़ हम क्या आपको दिखाने वाले हैं वो है, हम जामा क्लॉथ से सामान लाए थे वो आपसे शेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स, जो परसों हमने शॉपिंग की थी और आपको व्लॉग दिखाया था जामा क्लॉथ का, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें परचेज की थी और वो मैंने आपको कहा था कि अगले व्लॉग में हम दिखाएंगे, तो अभी आपको चाय पीने के बाद हम वो भी दिखाते। तो मिलते हैं आपसे टी टाइम के बाद। तो देखे फ्रेंड्स, आज मौसम हुआ हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त, और कराची वालों के लिए तो भाई रोज़ाना ही ज़बरदस्त मौसम होता है। देखे आप किस कदर बादल बने हुए हैं, ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स आए हुए हैं आज, और ऐसा लग रहा है कि बस अभी बारिश आ जाएगी। तो बस वेटिंग कर रहे हैं हम कि बारिश कब आती है। और आपको पता है कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई भी की है कि कराची में नया स्पेल दाखिल हो चुका है बारिशों का, तो अंदरूनी सिंध तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब कब शुरू होती है बारिश, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। तो किस किस के एरिया में बारिश वगैरह हुई है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स, अब आपसे शेयर करते हैं हमारी शॉपिंग जो हमने वहाँ से की थी और क्या क्या लाए हैं, तो वो देखेंगे आपके सामने। बड़े बड़े रोल हैं, किसी को मारने के लिए है क्या? तो ये इतने बड़े बड़े रोल में आप क्या लेके आई हो भाई, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये हम लाए हैं ज़बरदस्त सी ग्रास, वहाँ पे हमने आपको दिखाया भी था मेरे ख्याल से शॉप पे, और ये वही ग्रास है। और ये इस तरह से, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी या नहीं, तो मैं ये थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये खुल जाएगी, ऐसे ही खुल जाएगी, ये खुल गई। तो देखे फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रास खुल चुकी है और ये इस तरीके की ग्रास है देखे। और ये हम लाए वैसे किस लिए, ये कहाँ के लिए लाए? इससे हम बनाएंगे घर में बगीचा, यानी हम बनाएंगे गार्डन। तो फिर हमें गार्डन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें झूले वूले नहीं लग सकते। तो ये सिर्फ हम डेकोरेट करेंगे हम घर को और आपसे शेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हम बेसिकली वैसे लाए हैं बेलकनी का मेकओवर करने के लिए। तो ये हम बेलकनी में हम अब छोटा सा हमारा गार्डन बनाएंगे और ग्रीनरी वहाँ पे अच्छी सी हम डेकोरेट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। देखिए ये इसमें भी जो है ये ग्रास है और ये भी आपको नज़र आएगी और ये भी ग्रास है। तो तो ये आपको देखने के लिए आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस का वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम बेलकनी का मेकओवर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियोस आगे की वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नहीं किया है सब्सक्राइब। और इसके अलावा आप क्या क्या लेके आई थी तो वो भी हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आप। और हमने जो सईद गनी से जो हमने लिया था, वो लिया था हमने अगरबत्ती, ये नॉर्मली अगरबत्ती नहीं है, ये मोटी वाली, मोटी वाली मैं आपको खोल के दिखाती हूं। और ये हमने फ्रेंड्स वहाँ पे हम गए थे जहाँ पे परफ्यूम्स और खुशबू वगैरह सब मिलती है, इतर वगैरह, तो ये हमें बहुत पसंद आई थी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और ये आप देखें ये अगरबत्ती, ये फूलझड़ी नहीं होती, फूलझड़ी बचपन में जो फूलझड़ी हम लोग जलाते थे मोटी मोटी सी, इतनी वैसी है, पर ये खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत लंबी होती है। ये जो है ये कौन सी है, चंबेली वाली है ना मेरे ख्याल से जो हमने ली थी। तो ये फ्रेंड्स ये आप देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ये चंबेली वाली है, और इसकी खुशबू सबसे बड़ी बात है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, हमें बहुत पसंद आई वहाँ पे, तो इसीलिए हमने ये ले ली। और इसके अलावा, और इसके अलावा हमने लिया है ये लोबान का है, जो हम लोग कोयले पे जो हम डालते हैं ना खुशबू के लिए, वो जिसको बखूर भी बोला जाता है, बखूर भी बोला जाता है, लोबान बोल सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें हमने फर्स्ट टाइम लिया है और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी।
फिर आपको फीडबैक दूंगी कैसा है ये। तो इंशाल्लाह इसका भी हम आपको रिव्यू ज़रूर देंगे, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसी निकली और इसकी खुशबू वगैरह तो वैसे बहुत ही अच्छी है अभी भी, लेकिन ये है कि यूज़ करने के बाद सही असल इसका पता चलेगा। अच्छा, और इसके अलावा हमने क्या लिया था वहाँ से? और हमने लिया था सारे, हमने फ्रेंड्स देखे ये कितना बड़ा रोल है, सारे रोल ही रोल हमने लिए थे। तो फ्रेंड्स हमने ये भी लिया था और ये भी आपको थोड़ा सा खोल के हम शेयर करते हैं। सीज़र यहीं पे था, इसके नीचे था, तो ये भी आप यहाँ से इसको कट कर दो। अच्छा, इसकी इसका हम क्या करेंगे ये आप बताएंगे हमको कमेंट में, कि मैं देखती हूँ कौन हमारी वीडियो फुल वॉच कर रहा है, कौन कमेंट में बताएगा कि इस रोल का हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हम आपको खोल के शेयर करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये देखें, ये इस टाइप का है और ये भी हमने वहाँ से जामा क्लॉथ से लिया था। और इसको क्या, ये शीट है ना मेरे ख्याल से, ये लेदर है, लेदर टाइप की शीट है, जो हम लेदर की शॉप पे गए थे जहाँ से हमने ये ग्रास ली थी, तो वहीं से हमने ये भी लिया था, ये लेदर शीट भी। और ये हम वैसे बता देना चाहिए फ्रेंड्स को कि हम क्या किस यूज़ के लिए लाए। तो चले देखते हैं कि कौन कौन हमारी वीडियो फुल वॉच करता है। तो आज हम वेट करेंगे कि आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो शीट हमने आपको दिखाई है, जो हमने वहाँ से ली थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इस पर डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो ये हम लोग वेट करेंगे कमेंट्स का, कि आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये शीट हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और इसका क्या यूज़ होगा। तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस किसने सही जवाब दिया और किस किसने गलत जवाब दिया और इसका क्या यूज़ होगा, ये भी बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स आज का हमने ये हमारा छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया शाम की रूटीन का, और उसके अलावा हमने शेयर किया ये हमारी शॉपिंग जो हमने वहाँ से जामा क्लॉथ से की थी, और उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हम क्या यूज़ करेंगे, और वीडियो को लाइक करना है, अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को आप शेयर कर दीजिए, प्यारी सी मेरी यूट्यूब फैमिली है। और बहुत ज़्यादा मुझे एक आप लोगों से शिकायत है, वो शिकायत ये है फ्रेंड्स के आप लोग काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन लाइक भी बहुत कम आते हैं हमें और कमेंट्स भी बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स किया करें ताकि आपके फीडबैक से हमें मालूम चलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चले गाइस, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।